बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम आयशा तारिक। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? जब भी हमने कम्युनिकेट करना होता है तो आपके पास सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। और जब सेंडर ने डेटा सेंड करना है रिसीवर को, तो कोई ना कोई पाथ ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूँ, यानी कि आमने सामने बैठकर, तो मेरे और आपके दरमियान में भी एक मीडियम मौजूद है जो कि एयर है। इसी तरह जब भी सेंडर ने डेटा सेंड करना है और रिसीवर ने रिसीव करना है, तो दरमियान में एक मीडियम रिक्वायर्ड है। हम मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल भी और मीडिया भी। सो डेटा सेंड भी होना है और डेटा रिसीव भी होना है, और जिस पाथ के थ्रू डेटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, मीडियम और मीडिया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, हमारे पास दो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, एक फिजिकल मीडिया और दूसरा वायरलेस मीडिया। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मीडिया को। फिजिकल मीडिया, गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया, ये एक ही कम्युनिकेशन मीडियम के नाम है। फर्दर ये ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल में डिवाइड कर दी जाती है। ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी पेयर ऑफ वायर को हम ट्विस्ट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर। स्क्रीन पे जो डायग्राम है उससे भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जितनी भी वायर्स हैं, पेयर ट्विस्ट हुए हुए हैं, सो दे आर दी ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर बहुत ही कॉमन यूज होने वाली वायर है। ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज होती रही है। ट्विस्टेड पेयर वायर के अंदर एक कॉपर वायर होती है, यानी कि अगर हम सिंगल वायर को लें तो वो एक अंदर एक सिंगल कॉपर वायर होती है, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्लास्टिक कवर से, और इसी तरह दो पेयर करके उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। इन वायर का जो ट्विस्ट है वो इनको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंटरफेरेंस से। टू टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर की, वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अदर इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। पहले हम डिस्कस करेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। ये आउटर जैकेट है, ये कॉपर कंडक्टर्स हैं, यानी कि सिंगल कॉपर वायर है ये, जिसको कवर किया जाता है कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन से, एंड दिस इज ट्विस्टेड पेयर। जब आप दो तारों को ट्विस्ट कर देते हैं, ये आपको डेटा ट्रांसमिशन रेट देता है 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। मैक्सिमम लेंथ है इसमें 100 मीटर्स। नेक्स्ट है शील्डेड एसटीपी, ये आउटर जैकेट है, सिमिलर यूटीपी, ये कॉपर कंडक्टर है आपका, देन कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन, सेम यूटीपी की तरह ये भी ट्विस्टेड पेयर है। इसमें डिफरेंस क्या है यूटीपी और एसटीपी में? फॉइल शील्ड का, इसमें हर वायर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉइल शील्ड के साथ, जो कि मेन डिफरेंस है। ये ज्यादा कॉस्टली है यूटीपी से। एसटीपी रिड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है कुछ मोटर से, पावर लाइन से और कुछ लाइटनिंग डिवाइसेस से। ट्विस्टेड पेयर इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, इनको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपकी कॉपर वायर से बनी होती है, जिसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल या इनर कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, देन मेटालिक शील्ड या कॉपर मैश होता है, और उसके बाद प्लास्टिक जैकेट होती है। कॉपर मैश प्रोटेक्ट करता है डेटा सिग्नल्स को। कॉपर मैश
प्रोटेक्ट करता है डेटा सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कोएक्सियल केबल मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए। डिफरेंट सोसाइटीज में जो केबल नेटवर्क आ रहा होता है वो कोएक्सियल केबल ही यूज कर रहे होते हैं, और आपके घरों में जो तार आ रही होती है केबल नेटवर्क वालों ने आपको दी होती है वो कोएक्सियल केबल ही होती है। आपके राइट टॉप पर जो पिक्चर नजर आ रही है ये वही केबल है, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वही केबल है जो आपके घरों में यूज हो रही हैं। टेलीफोन कंपनीज भी इनको यूज करती हैं। इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो 10 to 100 megabit per second है। ये ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इनको भी इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और ये ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक। ये फाइबर ऑप्टिक में जो सेंटर में रेड नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड अ कोर, ये आपका ग्लास होता है। इसके बाद ये कवर होता है क्लैडिंग से, देन कोटिंग होती है, देन स्ट्रेंथनिंग एंड देन आउटर जैकेट। फाइबर थ्रेड को कहते हैं और ऑप्टिक्स लाइट्स को, यानी कि फाइबर ऑप्टिक बहुत ही पतली तार होती है और ये ग्लास की बनी होती है, और इसमें जो लाइट ट्रेवल करती है वो बहुत ही फास्ट ट्रेवल करती है। फाइबर ऑप्टिक में बहुत ही थिन स्ट्रेन्स ऑफ ग्लास होते हैं जिनको हम कोर कहते हैं। ये बाल से भी पतले होते हैं। कोर यूज करता है लाइट को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ये लेयर ऑफ ग्लास से सराउंडेड होते हैं और इसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, और क्लैडिंग वो फर्दर कवर होती है प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मोस्टली आपकी टेलीफोन कंपनीज, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टीवी वाले अब फाइबर ऑप्टिक ही यूज करते हैं। ये आपको हाई डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, 100 megabit per second से 100 gigabit per second। फाइबर ऑप्टिक बहुत लाइट वेट होती है और स्मॉल होती है साइज में। ये फास्टेस्ट गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इफेक्ट नहीं होता। ये ज्यादा एक्सपेंसिव है कोएक्सियल केबल से भी और ट्विस्टेड पेयर वायर से भी। ट्रांसमिशन के दरमियान ये आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी देती है सिग्नल्स की। इसको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट होता है कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर के निस्बत। मीडिया की नेक्स्ट टाइप है वायरलेस अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया। वायरलेस अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडियम में हवा, एयर या स्पेस को यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें सिग्नल्स बाउंड नहीं होते कि कोई भी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करें। इनको यूज किया जा सकता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सब यूज होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स होती हैं जो कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोवेव में डेटा सेंड और रिसीव होता है थ्रू माइक्रोवेव स्टेशंस। माइक्रोवेव स्टेशंस अर्थ पे स्टेशंस होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स डायरेक्टली टू ईच अदर, लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डिस्टेंस 30 miles जरूर होता है। माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन को यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि सिग्नल्स ने ट्रेवल करना है स्ट्रेट लाइन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान ना तो कोई बिल्डिंग, ना पहाड़ और कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मोस्टली आपके माइक्रोवेव स्टेशन जो हैं, ये टॉल बिल्डिंग्स, टावर्स या माउंटेन्स के टॉप
पर लगाए जाते हैं। इन स्टेशंस पर दोनों किस्म के एंटीनाज होते हैं, डिश शेप्ड एंटीना भी लगाया जाता है और ट्रांसीवर्स भी लगाए जाते हैं इस पर। हर स्टेशन पिछले स्टेशन से डेटा को रिसीव करता है और अगले स्टेशन पे सेंड कर देता है। इसी तरह इसमें डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। माइक्रोवेव्स बहुत ही यूजफुल हैं जब हम सेलुलर फोन, सैटेलाइट्स और वायरलेस लैंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स आपके यूज होते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए। सैटेलाइट्स में आपके अर्थ बेस्ड स्टेशंस भी होते हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी मौजूद होती है। अर्थ बेस्ड स्टेशंस जो हैं, दे आर दी माइक्रोवेव स्टेशंस। हर सैटेलाइट का डिस्टेंस अर्थ से 22,300 माइल्स तक का होता है। सैटेलाइट रिसीव करती है सिग्नल अर्थ बेस स्टेशन से और उसके बाद ये सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर देती है डिफरेंट अर्थ बेस स्टेशन पर वाइड एरिया में। जब ट्रांसमिशन होती है अर्थ बेस स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ तो उस ट्रांसमिशन को हम अब अपलिंक कहते हैं और जब डेटा सेंड किया जाता है सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ तो उसको हम कहते हैं डाउन लिंक। ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करना बहुत ही हाई कॉस्ट देता है। सैटेलाइट्स इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स के लिए यूज होती है। ये आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है रिमोट एरियाज में। सैटेलाइट्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं शिप्स के साथ, एयरक्राफ्ट्स और अदर मोबाइल व्हीकल्स के साथ। ये यूज होती हैं वेदर फॉरकास्टिंग में और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। रेडियो वेव्स आपकी एक और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। ये रेडियो सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हवा में। रेडियो ट्रांसमिशन में एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है जो कि डेटा को सेंड करता है यानी कि ब्रॉडकास्ट करता है आपके सिग्नल्स को, और दूसरे एंड पर रिसीवर की ज़रूरत होती है जो कि उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। दोनों एंड्स पर एंटीनास लगे होते हैं जो कि सिग्नल्स को कैच कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ एंटीनास भी लगाए जाते हैं सिग्नल सेंड और रिसीव करने के लिए। कुछ नेटवर्क्स में ट्रांसीवर्स लगाए जाते हैं। ब्लूटूथ की एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉर शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है एट द रेट ऑफ 1 Mbps और ब्लूटूथ जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस में लगा होता है, फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर्स, इंटरनेट अप्लायंसेस, सेलुलर फोन्स, फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा। ये एक और एग्जांपल है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम की। इसमें सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं इंफ्रारेड लाइट वेव्स के थ्रू। इसमें भी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होती है यानी कि बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये मोस्टली यूज होता है माउस, प्रिंटर्स, डिजिटल कैमरा, टीवी रिमोट्स एंड एटसेट्रा। इनके ऊपर एक पोर्ट बनी होती है जो अनेबल करती है डेटा ट्रांसफर को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक using infrared light waves। ये alternate short range radio communication है ब्लूटूथ के। Thank you so much।